अगर काम के चक्कर में या फिर ड्यू टू सम अदर रीजंस तुम्हें पता नहीं होगा तो स्त्री 2 रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। अब इससे पहले इसकी पहली पार्ट स्त्री रिलीज हुई थी 2018 में, मतलब आज से 6 साल पहले। जिन लोगों ने देखी है उनको पता ही होगा ये मूवी कितनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर थी। जिन लोगों ने पहली वाली मूवी नहीं देखी जरूर देख लेना, क्योंकि उसको बिना देखे तुम इस मूवी को समझ नहीं पाओगे। इसके अलावा मूवी के प्रोड्यूसर्स यानी कि मैडॉक फिल्म्स, क्योंकि इनको लेकर एक हॉरर यूनिवर्स बिल्डअप कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी भेड़िया मूवी अगर देख लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि स्त्री 2 में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको तुम अगर पिछली वाली नहीं देखी होगी तो इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मूवी की स्टोरी फिर से चंदेरी गांव में ही सेट है, जैसे कि पहले वाली मूवी में थी, और इस बार यहां पर कोई नया ही आतंक आया है। पिछली बार जिस तरह से आदमियों को रात में कोई उठाकर ले जा रहा था, वैसे ही इस बार औरतों को कोई उठाकर ले जा रहा है रात में। और सुनने में ये आ रहा है कि कोई सरकटा भूत ये सब कांड कर रहा है, बट उसे कैसे रोकेंगे और लड़कियों को फिर से कैसे रेस्क्यू करेंगे उस बारे में ही मूवी एक्सप्लोर करती है। अब तुम्हारी मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस स्पॉइल ना हो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये सब ट्रेलर में भी उन लोगों ने बता दिया था। पिछली बार मूवी की स्टोरी स्क्रीन पे राजन डीके ने लिखी थी, जिन्होंने फैमिली मैन भी बनाई थी, बट इस बार क्योंकि वो लोग इस मूवी से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है तो दैट मेड मी अ बिट कंसर्न्ड। और अगर तुम पिछली वाली मूवी एक बार फिर से विजिट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस बार भी पिछली वाली मूवी के कुछ पार्ट्स रिहैश करने की कोशिश की गई है, जैसे कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के बीच में कुछ कुछ सीन्स या फिर पंकज त्रिपाठी के कुछ डायलॉग जैसे कि पिछले बार में थे वैसे ही इस बार में रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। बट देखते वक्त वो तुम्हें फील नहीं होगा क्योंकि आसपास क्राउड की चीयरिंग लाफिंग वो मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को एकदम टॉप पे ले जाती है। मतलब सीरियसली आजकल ऐसी मूवीज कम ही बनती है जहां पर थिएटर में वो माहौल बनता है, क्राउड जहां एक साथ चीयर करते हैं हंसते हैं, जहां पर तुम्हें भी हंसी आ जाती है, और ये मूवी वैसी ही एक्सपीरियंस तुम्हें प्रोवाइड करती है। मूवी की स्टार्ट ही एकदम प्रॉपर हॉरर सीन से होती है, बट उसके बाद हॉरर थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, बट हाँ कॉमेडी डिलीवर्स परफेक्टली। तो हॉरर कॉमेडी में कॉमेडी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हें डेफिनेटली हंसाएगी, हर सीन में हंसाएंगी, बट हॉरर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है इसका। कुछ कुछ सीन्स जंप स्केयर्स तुम्हें डरावने लग सकते हैं, बट ओवरऑल हॉरर उतना ज्यादा वर्क नहीं किया मेरे लिए। राजकुमार राव ने मूवी में बहुत ही अच्छा काम किया है, उनकी एक्टिंग तो ऑन पॉइंट थी, वो कॉमेडी सीन्स, वो जोक्स, वो डिस्पेरेशन, वो लव वाले सीन्स, हर एक सीन में वो तुम्हें हंसाएंगे। इसके अलावा अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी और स्पेशली अभिषेक बैनर्जी, उनके तो हर एक डायलॉग पे या फिर कई जगह पर वो डायलॉग बोल भी नहीं रहते, उनके बस एक्सप्रेशन से तुम्हें हंसी आ जाएगी। श्रद्धा कपूर के चाहने वालों के लिए एक बैड न्यूज है, वो मूवी में उतना ज्यादा नहीं है। हाँ सेकेंड हाफ में उनका बड़ा रोल है, बट कुछ कुछ मोमेंट्स तो उनको भी दिए गए हैं जो फैंस को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि पिछले कुछ मूवीज अगर तुम देख लोगे तो वहां पर कुछ कुछ सीन्स ऐसे डिजाइन किए गए थे जो इस पार्ट में आकर फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मेकर्स वेल प्लेड। वो पहले वाले सीन्स यहाँ पर देखकर अब समझ में आया कि वो कैसे इस मूवी से कनेक्टेड है। मतलब जैसे कि जिग्सॉ पजल्स होते हैं ना, वो टूटे हुए पीसेस आकर जोड़ के एक परफेक्ट पिक्चर बनाती है। इसके अलावा मूवी में कैमियोज भी है, जिनमें से तमन्ना भाटिया का तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, वो बस मूवी में आइटम सॉन्ग्स में ही नहीं है, उसके अलावा भी उनका एक बहुत ही अच्छा रोल है मूवी में। और बाकी कैमियोज भी मूवी में यहाँ वहाँ डाले गए हैं, बट एंड तक जरूर वेट करना, वहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा होगा। अब मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लगा स्त्री पार्ट 1 से। वहां पर जैसे जैसे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही इवेंट्स को सजाया गया है। अब ये मुझे थोड़ा एक फ्लॉ लगा मूवी का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल कर देती है प्लॉट को, तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि इसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है। पर जैसे कि मैंने कहा था, कॉमेडी इतनी ज्यादा तगड़ी है स्पेशली फर्स्ट हाफ में, तो वो तुम्हें फील ही नहीं होगा। और जैसे जैसे मूवी एंड तक जाती है तो कॉमेडी पार्ट थोड़ा सा नीचे जाता है और सीरियसनेस थोड़ा बढ़ जाता है जैसा कि एक्सपेक्टेड है, और फाइनली जाकर हमें एक एपिक बैटल देखने को मिलता है। और इससे ज्यादा मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स और VFX का भी यूज किया गया है, जो उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं था, बट हाँ मुंजा से तो बेटर ही था। स्पेशली एंड में जब राजकुमार राव वो आग के दरिए के बीच में से चल के जा रहे थे, वो काफी हद तक मुझे वीडियो गेम जैसा फील दे रहा था। गेमर्स को तो पता ही होगा ये सीन। सो टू सम इट अप, स्त्री 2 इज अ ग्रेट मूवी दैट यू शुड एक्सपीरियंस इन थिएटर्स, क्योंकि थिएटर्स के बिना इसका वो असली मजा नहीं आएगा। ये उनकी नेचुने मूवीज में से है जो तुम अगर सबके साथ एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें इसका असली फील आएगा। मूवी बहुत अच्छे से पिछले वाले पार्ट्स को कनेक्ट करके आगे एक बड़े विलन की तरफ हमें इशारा करती है। तो अगर वीकेंड में फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना है तो जाकर स्त्री 2 डेफिनेटली थिएटर्स में चेकआउट करना, हंसते हंसते तुम्हारा पेट दुखने लगेगा। तो तुम स्त्री 2 देखने जाने का प्लान कर रहे हो नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि यूट्यूब इसे आगे और भी लोगों को रिकमेंड करे। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। मूवी के एंड होते होते एक एंड क्रेडिट सीन आया, उसके बाद एक गाना आया, तब मुझे लगा कि फिल्म फाइनली खत्म हो गई,
बट उसके बाद फिर से एक पोस्ट क्रेडिट सीन आया और उसके बाद फिर से एक गाना चालू हो गया। हाँ, मूवी में बहुत सारे गाने ऐसे थे जिनका कोई यूज़ भी नहीं था और वो ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे।